नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन पंक्ति में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी की ग्रेवी वाली सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और चटपटी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम भिंडी ले लिए हैं, जिसे कि धोकर इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए इसकी ग्रेवी के लिए मैं कुछ मसाले बता देती हूँ, जिसका कि हम लोग को फाइन पेस्ट तैयार करना है। ये 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया, 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 काला मिर्च, 2 पकी हुई मिर्च, 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक। इन सभी चीज़ों का फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए अब भिंडी बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम लोग इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें अपना कटा हुआ भिंडी डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई में रखेंगे, क्योंकि हमारी भिंडी बहुत चिपचिपा होती है, तो इसीलिए हाई फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। मैंने इसे 1 मिनट इसी तरह लगातार चलाते हुए भून लिया है। अब गैस का फ्लेम हम लोग मीडियम रख लेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप थोड़ा देर भूनने के बाद ही डालें, वरना ये भिंडी हमारी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी। अब इसी तरह लगातार चलाते हुए इसे 1 मिनट और भून लेंगे। लगातार 1 मिनट चलाते हुए मैंने इसे भून लिया है। देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। अब इसे 5 मिनट और हम लोग मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी अच्छे से भुन गई है। ये देखिए इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। तो अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में ही ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच सरसों डालेंगे। इसे अच्छे से चटकने देंगे। हमारी अच्छे से चटक गई है। अब हम लोग इसमें एक बड़ा साइज़ का प्याज, जिसे कि मैंने एकदम बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसे डाल देंगे और अच्छे से इसे चला लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन कलर आ चुकी है। अब इसमें हम लोग अपना पिसा हुआ मसाला डालेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से चलाने के बाद हम लोग इसमें अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट पकने के बाद हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब हम लोग इसी समय इसमें अपना 2 बड़ा साइज़ का टमाटर, जिसे कि मैंने इस तरह लंबाइयों में काटा है, इसे डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप याद रखिए, भिंडी में भी हम लोगों ने नमक लगाया है, तो इसलिए टमाटर में जितना ज़रूरत होगा बस उतना ही डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके टमाटर गलने तक इसे पका लेंगे। टमाटर को 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए ये 50% गल चुकी है। अब इसे और 2 मिनट हम लोग लो फ्लेम पे ही पका लेंगे। 2 मिनट और पकाने के बाद ये देखिए हमारी टमाटर अच्छे से गल चुकी है और साइड से तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसी चम्मच के सहायता से इसे इस तरह दबाते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर हमारी अच्छे से मैश हो गई है। अब इसमें हम लोग अपना भुना हुआ भिंडी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने इसमें 1 गिलास पानी लिया था, आधा गिलास पानी डाला है। अब इसी समय हम लोग इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करके 1 उबाल आने देंगे। सब्जी में अच्छे से उबाल आ चुकी है। चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी भिंडी की सब्जी बनके तैयार है। इसे आप गरम गरम चावल, रोटी, जिसके साथ भी खाना पसंद करते हैं खा सकते हैं।
ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।